हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र की कार्यवाही का आज पहला दिन है। विधानसभा में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान सामने आया है। चौटाला ने कहा कि जींद के सरकारी स्कूल में छात्राओं से छेड़छाड़ मामले पर बड़ा खुलासा हुआ है। 2005 और 2011 में भी अध्यापक के खिलाफ शिकायत हुई थी। 2005 और 2011 में अध्यापक को किसने बचाया? 2011 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल के घर समझौता करवाया गया। वहीं और कुछ और क्या कुछ कहते हैं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, आइए सुनते हैं। मैं एक चीज सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को कर माननीय सदस्य ने मेरी तरफ पॉइंट आउट किया है। मैं चाहता हूँ कि पुलिस विभाग उस प्रिंसिपल के खिलाफ आज तो सख्त कार्रवाई कर रहा है, मगर आज से उस प्रिंसिपल का पुराना इतिहास भी उठाया जाए। 2005 में भी ऐसा केस उसी प्रिंसिपल का था। उसके अंदर किसने समझौते करवाए, कौन उसका सिफारसी था, इसको भी इन्वेस्टिगेट किया जाए। 2011 में किसने उसका ट्रांसफर फिर उचाना किया, कौन उस समय एजुकेशन मान्य सदस्य, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, बहुत बड़ी बात है, आप अपना गिरेबान खुद देखिए। 2011 के अंदर आई एम नॉट जस्टिफाइंग एनीथिंग, आई एम टेलिंग द हाउस बता रहे हैं पुरानी बातें, जस्टिफाई थोड़ी कर रहे हैं, वो तो बता रहे हैं जो पहले जो हुआ है। मैं इस सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मान्य सदस्य एजुकेशन आपने कहा है तो आपका, और 2011 में इसी प्रिंसिपल की पंचायती इनके घर में झज्जर हुई, इसकी इंक्वायरी पुलिस महकमा करे। ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है जो आज ये सवाल उठा रही है। इनके घर में 2011 में इसी प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर ना हो, इसकी पंचायत कराकर समझौता कराया गया तो आज ये कृत्य न होता। अगर जैसे लोग तो आज होता नहीं, हमने उसको टर्मिनेट कर दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा पुलिस इन पहलुओं को देखती भी इन्वेस्टिगेशन करे और जिनने समझौते कराए उन सारे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। जी ठीक है। अन्य गीता भुक्कल जी, क्या ये फैक्ट है? इनके निवास में झज्जर में इसी प्रिंसिपल के खिलाफ डीडीआर कटी हुई थी, एफआईआर ना हो, समझौता और फैसला कराया गया, क्या ये फैक्ट है? माननीय सदस्य बताइए इस हाउस को।